In this video, we are talking about the production system in artificial intelligence with an example. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं production system in artificial intelligence इससे related example के बारे में. तो यहाँ पर हम एक problem statement ले रहे हैं. We are taking here a problem statement. The problem statement is like this. We have two jugs of capacity 5 liter and 3 liter and a tap with an endless supply of water. हम यहाँ पर दो जग ले रहे हैं जिनकी कैपेसिटी है रिस्पेक्टिवली 5 लीटर और 3 लीटर, और इसमें एक टैप दिया गया है जिससे एंडलेस सप्लाई होगी वाटर की. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन 4 लीटर एग्जैक्टली इन द 5 लीटर जग विद द मिनिमम स्टेप्स पॉसिबल. ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको प्राप्त करना है 4 लीटर एग्जैक्टली 5 लीटर जग में मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स के साथ. तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें कुछ स्टेप्स हो सकते हैं. फर्स्ट स्टेप, फिल द 5 लीटर जग फ्रॉम टैप. सबसे पहले फिल करेंगे 5 लीटर जग को टैप से. एम्प्टी द 5 लीटर जग, उसके बाद एम्प्टी करेंगे 5 लीटर जग को. अगेन फिल द 3 लीटर जग फ्रॉम टैप, उसके बाद दोबारा फिल करेंगे 3 लीटर जग फ्रॉम टैप. एम्प्टी द 3 लीटर जग, उसके बाद खाली करेंगे 3 लीटर जग को. देन एम्प्टी द 3 लीटर जग टू 5 लीटर, इसके बाद खाली करेंगे 3 लीटर जग को 5 लीटर जग में. एम्प्टी द 5 लीटर जग टू 3 लीटर, उसके बाद दोबारा खाली करेंगे 5 लीटर जग को 3 लीटर जग में. उसके बाद पोर वाटर फ्रॉम 3 लीटर टू 5 लीटर, 3 लीटर जग से कुछ पानी निकाल के 5 लीटर वाले जग में डालेंगे. पोर वाटर फ्रॉम 5 लीटर टू 3 लीटर्स बट डू नॉट एम्प्टी. हमें पानी निकालना है 5 लीटर जग से निकाल कर 3 लीटर जग में डालना है लेकिन उसे खाली नहीं करना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं. ये स्टेप 1, यह स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, ये 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पर टोटल 8 स्टेप्स हैं. तो इसी का यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया गया है. सॉल्यूशन में स्टेप्स का सीक्वेंस दिया गया है कि सबसे पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 8, फिर 4, फिर 6, फिर 1, फिर 8, या फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 5, इस सीक्वेंस में करना है. इट इज़ पॉसिबल टू हैव अदर सॉल्यूशंस एज वेल बट दीज आर द शॉर्टेस्ट एंड द फर्स्ट सीक्वेंस शुड बी चूजन एट एज इट हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स. इसके अलावा और भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम के लिए लेकिन यह शॉर्टेस्ट हैं और इसमें जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसे चूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं. तो अभी जो हमने पढ़ा प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके एग्जांपल के बारे में, तो उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है. हमारे पास दो जग्स हैं कैपेसिटी 5 लीटर और 3 लीटर के, और उसमें एक टैप है एंडलेस सप्लाई ऑफ वाटर के साथ. हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें ऑब्टेन करना है 4 लीटर एग्जैक्टली 5 लीटर जग में मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स के साथ. तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्शन सिस्टम और उसके कुछ रूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फिल करना है 5 लीटर जग को टैप से, उसके बाद खाली करना है 5 लीटर जग को. थर्ड स्टेप में फिल करना है 3 लीटर जग को टैप से. उसके बाद स्टेप नंबर 4 में खाली करना है 3 लीटर जग को. स्टेप नंबर 5 में खाली करना है 3 लीटर जग को 5 लीटर में. उसके बाद खाली करना है 5 लीटर जग को 3 लीटर जग में. 3 लीटर जग से पानी निकाल कर 5 लीटर जग में डालना है. इसके बाद अगेन 5 लीटर जग से पानी निकाल कर 3 लीटर जग में डालना है लेकिन उसे पूरी तरीके से खाली नहीं करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल यहाँ पर 8 स्टेप्स हैं. तो हमारा जो सॉल्यूशन सीक्वेंस क्या हो सकता है 1, 8, 4, 6, 1, 8 या फिर 3, 5, 3, 7, 2, 5, 3, 5, ये हमारा सॉल्यूशन सीक्वेंस हो सकता है. इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इनके अलावा लेकिन यह शॉर्टेस्ट हैं और फर्स्ट सीक्वेंस चूज़ किया जाएगा क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं.
इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।